वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप यूज करके अपने नाइट के क्रीम्स को बाय बाय कह देंगे, अलविदा कह देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रॉ मिल्क की। रॉ मिल्क को हम एज अ नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे इम्पोर्टेंट, केमिकल फ्री है और कोई भी स्किन टाइप के पर्सन इसको लगा सकते हैं। ऑयली स्किन हो तो भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन हो तो भी, कोई भी स्किन स्कैल्प पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है केमिकल फ्री है और बहुत हेल्दी है हमारी स्किन के लिए। अगर हम इसको पीते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अगर हम इसको स्किन पर लगाते हैं तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। वैसे तो अगर हम लोग मेकअप करते हैं और मेकअप को रिमूव करने के लिए एज अ स्किन टोनर हम इसको यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और कोई हार्म नहीं पहुंचाता आपकी स्किन को। सबसे पहला आपके लिए स्किन टोनर का हेल्प काम करता है, एंटी टैनिंग है, आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है क्योंकि इसके अंदर व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन को फेयर करने में आपकी हेल्प करते हैं। और आपके स्किन पर अगर मुहासे हैं तो नींबू, थोड़ा दूध के अंदर थोड़ा सा नींबू डालकर उसको नींबू के छिलके से आप हल्का हल्का अपने फेस पर लगाएं तो आपको आपके जो मुहासे, कील मुहासे होते हैं उनमें भी हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस पर भी लगाएं तो आपके लिए स्किन फेयर का काम भी करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो देखिए मैंने कितने सारे गुण इसके आपको बताए, कच्चे दूध के इसको बताए, आज मैं बताऊंगी आपको आप इसको एज अ नाइट क्रीम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है रॉ मिल्क। इसको आपको कच्चा ही यूज करना, बॉयल नहीं यूज करना, कच्चा दूध है। इसको इस तरह से लेकर के आपने इस तरह से हल्का सा इस तरह से डैब डैब करके अपने पूरे स्किन पर, पूरे फेस पर आप लगाएं इसको इस तरह से, आंखों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, इस तरह से नेक पर लगाएं। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी शुगर डालेंगे तो आपको हेल्प करेगा आपके कलर को फेयर करने में, आपकी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं। अदरवाइज आप इसको प्लेन भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद आप इसको ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद इसी पर दूसरा कोट इस तरह से वापस लगाएं। 2 से 3 कोट आप इस पर लगाएं और ये देखिए, इस तरह से पूरे फेस को आप कवर करें। और फेस कवर करने के बाद 2 से 3 लेयर इसके ऊपर आप लगाएं और एज अ नाइट क्रीम जिस तरह आप लगा के सो जाते हैं उसी तरह सो जाइए। और नॉर्मल जब आप सुबह उठते हैं तो सादे पानी से अपने फेस को वॉश करिए, आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आपके स्किन के कलर में, टेक्सचर में फर्क आएगा और आपके स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, चमक उठेगी आपकी स्किन। इस तरह से आप 2 से 3 लेयर लगाने के बाद ये आपका क्लिंजिंग मास्क की तरह बन जाएगा और आप इसको मॉर्निंग में सादे पानी से वॉश करें। इसके बाद लगाने के बाद आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह चमक उठेगा। और इससे बेहतर है कि हम केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट को अपने स्किन पर यूज करें। हम नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके भी अपने स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बना सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू।